भोपाल में नगर निगम के चुनाव हुए लगभग 3 माह का समय बीत चुका है, बावजूद इसके पार्षद के वार्डों में कोई काम नहीं हो पा रहा है। शुक्रवार को ईएमएसजीवी की टीम राजधानी के वार्ड 46 पहुंची। इस वार्ड से कांग्रेस के योगेंद्र सिंह गुड्डू चौहान दूसरी बार चुनाव जीतकर पार्षद बने हैं, लेकिन बावजूद इसके वे बजट नहीं होने के चलते उनके वार्ड में कोई विकास कार्य नहीं करा पा रहे हैं। उन्होंने ईएमएसजीवी से आज बातचीत करते हुए बताया कि उनके वार्ड में सड़क और नाले की दीवारें टूटी पड़ी हैं, जिनके लिए करोड़ों रुपए की जरूरत है। बावजूद इसके महापौर सोतेला व्यवहार करते हुए भाजपा शासित वार्ड में करोड़ों रुपए के भूमि पूजन कर रही है, लेकिन उनके वार्ड में रत्ती भर का कोई काम नहीं हो पा रहा है और न ही पार्षद को कोई बजट दिया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। जिस जनता ने उत्साह उमंग के साथ पार्षदों को चुना था, उन्होंने सोचा था पिछले 2.5 साल से नगर सरकार यहाँ पर नहीं थी, तो उनको ये उम्मीद थी, जनता को ये उम्मीद थी कि हम पार्षदों को चुनेंगे, महापौर चुनेंगे, तो हमारे क्षेत्र में जो काम रुके पड़े हैं वो काम पूरे होंगे। लेकिन जय खुदा पहाड़ निकली चुहिया, हुआ ये है कि चुनाव हो गए हैं, आप भी देख रहे हैं महीनों हो गए इस बात को, पार्षदों का फंड अभी तक जो है पार्षदों को नहीं मिला है। इससे कहीं ना कहीं जनता में निराशा है, पार्षदों में निराशा है। पार्षद जब अपने मोहल्ले गली मोहल्ले में जा रहे हैं तो लोग काम करने की बोल रहे हैं, अब वो काम कहाँ से करा के देंगे। और मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें महापौर जी को अपने संज्ञान में तुरंत लेना चाहिए और तुरंत पार्षद निधि प्रोवाइड करना चाहिए। और मुझे तो कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि जो कहीं ना कहीं इस बात का भी मुझे अंदेशा है कि महापौर जी कहीं ना कहीं पक्षपात कर रही हैं, क्योंकि मेरे बगल वाले वार्ड में ही अभी 2 दिन पहले 2,40,00,000 का भूमि पूजन हुआ है, लेकिन मेरे वार्ड में वार्ड नंबर 46 में अभी तक 5 रुपये भी इस वार्ड को नहीं दिए गए। ये कांग्रेस के जो पार्षद हैं उनके साथ पक्षपात कहीं ना कहीं किया जा रहा है। ऐसे कौन से काम है जो कि अभी रुके पड़े हुए हैं, 2-4 कुछ मामले आप देख रहे हैं, सड़कों पर गड्ढे हैं, धूल उड़ रही है, लोगों के आंखों में जा रही है, नाले की बाउंड्री वाल टूटी पड़ी है। मेरे वार्ड में कम से कम 2.5-3 करोड़ का नाले का काम पड़ा हुआ है, सड़कों के काम पड़े हुए हैं, स्कूलों की स्थिति बड़ी ख़राब है। मैं पूछना चाहता हूँ शिक्षा पर का पैसा कहाँ गया? आप जन यहाँ की जनता और पूरे भोपाल की जनता शिक्षा उपकर का जो टैक्स देती है उसका पैसा, उसका जो होता है वो उसी स्कूलों में खर्च होता है। मैं माननीय आयुक्त महोदय और माननीय महापौर जी से पूछना चाहता हूँ शिक्षा का उपकर का पैसा कहाँ खर्च किया है? परिषद की बैठक में उठाएंगे निश्चित रूप से, मैं इस बात के लिए संज्ञान में लाऊंगा कि मुझे ये मालूम होना चाहिए कि शिक्षा उपकर का पैसा जो उस वक्त का पैसा होता है केवल स्कूल में खर्च किया जाता है, वो अगर पैसा इनके पास नहीं है तो वो कहाँ है?